जैन, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का अगला पार्ट। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था यूज ऑफ इन और इनटू, एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे ऑन और ओवर में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर, ठीक है, हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी देने वाले हैं आज आपके लिए होमवर्क। जैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने कमेंट करके उसका बिल्कुल ही सही आंसर बताया क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इस सेशन में आज का पहला टॉपिक हमारा ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर। देखिए, सबसे पहले ऑन, तो ऑन का यूज हम लोग करते हैं टचेबल के लिए। जैसे एक तरह से कहिए ना, टच, यदि कोई भी चीज एक दूसरे में स्पर्श करता है ना, स्पर्श समझते होंगे आप, टच करता है, इस कंडीशन में वी हैव टू यूज ऑन। ठीक है, ऐसे में हम लोग को यूज करना पड़ता है ऑन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, द बुक इज ऑन या ओवर द टेबल, ठीक है ना, ऑन या ओवर द टेबल। तो यहां जब बुक होगा टेबल पर, तो बताइए कि क्या करेगा ना, ये टच में होगा कि नहीं। आप समझिए कि यदि बुक होगा टेबल पर तो स्पर्श में ही होगा, तो स्पर्श के लिए हम, टच के लिए हम यूज करेंगे ऑन का। ओवर का इसमें यूज हम लोग माय डियर स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ओवर का ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, ओवर का देखिए यूज करते हैं ऐसा, मान लीजिए अनटचेबल, सीधा आप समझिए अपने भाषा में, जहां अनटचेबल हो, ठीक है ना, कोई भी मान लीजिए दो वस्तु ना एक दूसरे को स्पर्श जब नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे फैन वगैरह होगा या सीलिंग होगा, वो आपके हेड से ऊपर होता है, आपके हेड से ऊपर होता है, तो टच में तो होता नहीं है। जब टच में नहीं होगा तो वहां पर आप ऑन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा ओवर का, ठीक है ना, वहां पर यूज करना पड़ेगा ओवर का। जैसे देखिए, The fan is on या over our head। तो सबसे पहला बात, fan जो है हमारे head के ऊपर है, ठीक है, ऊपर, दोनों का sense मान लीजिए ऊपर ही, but over यहां use इसलिए होगा, over सबसे पहले use होगा, over इसलिए use होगा ना, क्योंकि यहां पर fan और head में, ठीक है ना, सर में टच का तो बात ही नहीं होगा ना, ये ऊपर का चीज है, और ऊपर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे जी, माय डियर स्टूडेंट, ओवर का। इसलिए हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बोले, ही इज सीटिंग ऑन या ओवर द चेयर, तो देखिए चेयर पर वो बैठा है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, ऑन का, क्योंकि टच में है ना। जब टच में होगा तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। अब मान लीजिए हम बोले कि द सीलिंग इज ऑन या ओवर आवर हेड, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, द सीलिंग बोलते हैं, द सीलिंग इज ऑन या ओवर आवर हेड, ठीक है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है, यू विल ट्राई प्लीज, कि क्या होगा, ऑन होगा या ओवर होगा। तो देखिए, ये हुआ ऑन और ओवर का पहला यूज, और भी बहुत सारे होते हैं ऑन और ओवर में डिफरेंसेस। आइए देखते हैं ऑन और ओवर का दूसरा यूज। देखिए, पहला तो हम लोग पढ़ लिए कि एक टचेबल में होगा, टच में होगा तो ऑन का यूज करेंगे, और टच में नहीं होगा तो ओवर का यूज करेंगे। सेकेंड हमारा है कि ऑन और ओवर में डिफरेंस है कि ओवर का यूज हम वहां करते हैं जहां फुल्ली कवर्ड, जहां पूरी तरीका से कवर्ड, फुल्ली कवर्ड, ठीक है, जहां पूरी तरीका से दो चीज, जैसे मान लीजिए हमें क्या फिगर के थ्रू समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है, यहां फिगर के थ्रू, एक छोटा सा फिगर है, एंड देखिएगा,
मान लीजिए यहाँ ए बी है, ठीक है, और यहाँ सी डी है, ठीक है ना, ए बी और सी डी पूरी तरीका से इसको क्या है, ढका हुआ है। सपोज कर लीजिए ये ढका हुआ है, ठीक है ना, पूरी तरीका से। तो आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए आपको यदि लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, सी डी इज ऑन या ओवर ए बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। देखिए दो जब चीज है ना, जब दो चीज जैसे हम यहां किए हैं, देखिएगा देख सकते हैं, दो चीज जब पूरी तरीका से ढक ले एक दूसरे को, ठीक है ना, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, ओवर का यूज करते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखिए हम बोले पुट द ब्लैंकेट ऑन या ओवर द बेबी, यानी बेबी पर क्या डालो, एक ब्लैंकेट डालो। तो जब ब्लैंकेट डालेंगे तो उस बेबी पर जब ब्लैंकेट डालेंगे, अपने से सोचिए, तो उसका पूरा जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। कवर्ड हो जाएगा कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट। वहां पूरी तरीका से मान लीजिए कि कोई भी बेबी को यहां कंबल डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से उसको ढक लिया जाएगा, मतलब ढक देगा कंबल। तो ब्लैंकेट ऑन या ओवर होगा, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अब मान लीजिए हम बोले ए कैप इज ऑन या ओवर हिज हेड, हिज हेड, ठीक है। तो ए कैप इज ऑन या ओवर हिज हेड, तो इसमें क्या होगा, ऑन होगा, इसमें ओवर नहीं हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं हो सकता है ओवर, क्योंकि कैप, आप कैप देखे होंगे, टोपी जो है ऐसे निकला हुआ रहता है, हम उसको बोलते हैं कैप। तो वो निकला हुआ रहता है ना, तो जब निकला हुआ रहता है इट मीन्स वो पूरी तरीके से तो ढक नहीं ना रहा है जी हमारे हेड को। जैसे जो टोपी पहनते हैं, एक टोपी भी होता है, एक हैट भी, देख लीजिए हैट पर भी, हैट जैसे हम ए हैट इज ऑन या ओवर हिज हेड, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इसमें ओवर होगा, इसमें ऑन नहीं होगा, और इसमें ऑन होगा, ओवर नहीं होगा। समझिए क्यों, कैप बोलते हैं ऐसा टोपी ना जो निकला हुआ रहता है, सिंपल जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना, जो डेली यूजेज में हम लोग पहनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हैट का मतलब टोपी होता है, बट वो हैट होता है ना, जैसे छोटा बच्चा बर्थडे वगैरह पर पहनता है, जो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहता है। या आप क्रिकेट मैच यदि देखते होंगे तो अंपायर वगैरह भी हमारे पहनते हैं, ठीक है, तो वो तो चारों तरफ से ढका हुआ रहता है ना। तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे किसका, ओवर का यूज करेंगे। उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे जी, ओवर का, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि बात किया जाए कैप का ना, तो वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा किसका, वहां पर यूज करना पड़ेगा हमको ऑन का, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम बोले ए अम्ब्रेला इज ऑन या ओवर हर हेड, इसमें आपको बताना है कि ऑन होगा या ओवर होगा, ठीक है, ठीक है ना, इसमें आपको बताना है। एक और है, पुट द बेडशीट ऑन या ओवर द बेड, ऑन या ओवर बेड, ठीक है ना, पुट द बेडशीट ऑन या ओवर बेड। अब इसमें भी आपको कमेंट करके बताना है कि ऑन होगा या ओवर होगा, दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। और ये साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, आया कि नहीं, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑन को लेकर, आइए देखते हैं, जो इंसिस्ट ऑन होता है, ठीक है ना, इंसिस्ट ऑन, ठीक है, इंसिस्ट ऑन इज इक्वल टू होता है इम्फेसाइज, इम्फेसाइज यानी जोर देना, इम्फेसाइज करना। तो इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज किया जाता है, बट इम्फेसाइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज किया जाता है, बट इम्फेसाइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। आई होप कि ऑन और ओवर में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।